स्वागत आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में, यानी लवण प्रभावित मृदाएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे विस्तार से, सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है और प्लस वन प्लस टू एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत उपयोगी टॉपिक होता है। तो आज अपने बात करते हैं लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में। लवण प्रभावित मृदा ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। सारणी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहली लवणीय, जिन्हें सेलाइन सोइल बोलते हैं। सेकंड क्षारीय, जिन्हें बेस सोइल बोलते हैं। और थर्ड है लवणीय क्षारीय, यानी कंबाइंड। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो सारणी के माध्यम से बताऊंगा ताकि जो आपको समझने में है कोई दिक्कत न हो, आराम से समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ जाती है तो आप कभी भी मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे। तो बात करते हैं अपने लवणीय मृदा की। इसके लिए अपने को तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। तीन चीज़ें, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो देखो pH होता है, और pH के बारे में मैंने पीछे वीडियो बना दी है, तो pH क्या चीज़ होती है उसके बारे में बता दिया है मैंने। तो पहले अपने बात करेंगे pH, यानी इन तीनों मृदाओं का pH कितना होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो होता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इसको बोलते हैं EC, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, EC। और इसका मात्रक जो है वो होता है टेसी साइमन मीटर -1, ये भी होता है, और डेसी साइमन प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। प्रति मीटर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है डेसी साइमन बटे मीटर होता है, और मीटर को ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये दोनों मात्रक आप उसमें काम में ले सकते हैं, ठीक है। डेसी साइमन प्रति मीटर भी काम में ले सकते हैं, और डेसी साइमन मीटर -1 भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। आगे है विनिमयशील सोडियम। विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा ये प्रतिशत में होती है, ठीक है। अब ये सारणी आपकी कंप्लीट हो गई है, नॉर्मल सी है। अब ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने, जैसे क्षारीय मृदाएं होती है तो क्षारीय मृदाओं का pH नॉर्मल 7 से ऊपर होता है, और अपने इस सारणी के अंदर यानी लवणीय मृदाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें 8.5 लेते हैं, ठीक है। 8.5 से ज़्यादा का मतलब होता है यानी ये चीज़ है वो कम है, इससे ज़्यादा, यानी ज़्यादा 8.5 से। ये जो साइन होता है उसको आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ से खुला होता है उसका मतलब है इधर वाली चीज़ है वो ज़्यादा है, जिस तरफ से कम होता है मतलब है कम है, इधर वाली चीज़ कम है, ठीक है। तो ये चीज़ कम है यानी कहने का मतलब 8.5 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय मृदा होती है, ठीक है। लवणीय क्षारीय के अंदर अपने सारा कुछ है वो ज़्यादा रखेंगे, बस ये कॉमन सी चीज़ है। ये भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा, और ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, ये विनिमयशील प्रतिशत, विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा है वो नॉर्मल अपने 15% से कवर करते हैं, ठीक है। 15% से ज़्यादा होगी तो वो मृदाएँ इस प्रकार की होगी, ठीक है। लवणीय क्षारीय हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है। अब नॉर्मल क्या है कि सोडियम की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होती है जिन मृदाओं में, उन मृदाओं को अपने क्षारीय मृदाओं की श्रेणी में रखते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है उन मृदाओं को अपने अम्लीय मृदाओं में रखते हैं। तो अपने को पता है क्षारीय मृदाओं में भी
जो विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा है वो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, इसीलिए उनको क्षारीय मृदाएं कहते हैं। अब समझने वाली बात ये है, एक पीएच और रह गया लवणीय मृदा का, तो लवणीय मृदा का पीएच है वो 8.5 से कम होता है। बस आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी हैं, बाकी आप आसानी से लिख सकते हो इसमें। आगे है इसमें, अब लवणीय मृदा का अपने पीएच देखते हैं, तो लवणीय मृदा का पीएच 8.5 से कम ही होगा, तो कम का साइन ये होता है, ठीक है, तो यानी इधर से ज़्यादा है तो 8.5 से ये ज़्यादा हो गया, और इधर कम है यानी कि लवणीय मृदा का पीएच है वो कम है 8.5 से, ठीक है, तो ये पीएच हो गया। अब आपको अगर पूछा जाता है क्षारीय मृदा का पीएच मुख्य रूप से कितना होता है लवणीय मृदाओं की अपेक्षा, तो वो 8.5 से ज़्यादा होगा। अब समझने वाली बात यह है कि जिनका पीएच ज़्यादा है उनकी विद्युत चालकता भी उससे उल्टी होती है, ठीक है, विद्युत चालकता है वो उल्टी होती है पीएच के। अगर पीएच ज़्यादा है तो विद्युत चालकता कम होगी, और पीएच कम है तो विद्युत चालकता ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और विद्युत चालकता को मुख्य रूप से डेसी साइमन मीटर -1 के अंदर नापते हैं, और इसके जो चार है यानी डाटा रखा गया है चार, यानी चार डेसी साइमन मीटर -1 से इसको मापते हैं। तो इसका जो लवणीय मृदा का पीएच है वो कम होता है, तो मैंने बताया कि विद्युत चालकता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है, ठीक है, इसको छोड़ करके इसमें सारे तीनों चीज़ें ज़्यादा होती है, बस ये रूल ऊपर वाले दो के अंदर लगेगा। तो पीएच कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगी, पीएच ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, लिख दिया, बस ये दो कॉलम बचे हैं। तो यानी कहने का मतलब है पीएच कम होगा तो विद्युत चालकता ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगा विद्युत चालकता कम होगी। और मैंने बताया विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा है वो 15 से मापते हैं, तो ये हो गया 15। जितना पीएच होता है उसी के इक्वल, यानी एक तरफ से ऐसे मान लो समानुपाती होती है, ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है अगर पीएच कम है तो विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा भी कम होगी, पीएच ज़्यादा है तो सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो क्षारीय मृदाओं में अपने को पता है सोडियम की मात्रा है वो ज़्यादा ही होती है, तो पीएच ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा हो गई, लवणीय मृदाओं में पीएच कम है तो ये भी कम हो गया, ठीक है। अब सारणी बन के तैयार हो गई है, अब अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में अपने बात करते हैं तो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, कि इसके अंदर अगर अपने डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन लिखेंगे अपने, जैसे लवणीय मृदा की डेफिनेशन आ जाए कि लवणीय मृदा क्या है समझाइए, तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा अब बोल करके। तो जो लवणीय मृदाएं हैं उनके अंदर आपको एक शुरू के अंदर छोटी सी लाइन लिखनी है कि वे मृदाएं जिनमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, 24 या 25 डिग्री, ठीक है, कि वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष, यानी जो अपने नमूना लिया है मिट्टी का जिसके अंदर अपने ये चीज़ें ज्ञात कर रहे हैं पीएच, विद्युत चालकता, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा, ठीक है, वो नमूना है वो संतृप्त निष्कर्ष हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष का, ठीक है, जो नमूना लिया है उसका पीएच कितना होगा 8.5 से कम होता है, विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर -1 से ज़्यादा होती है, और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा 15% से कम होती है, उन मृदाओं को क्या कहते हैं लवणीय मृदा कहते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें क्षारीय मृदाओं की, तो वे मृदाएं जिनके 24 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा निष्कर्ष या फिर संतृप्त निष्कर्ष की पीएच क्या है 8.5 से ज़्यादा है, विद्युत चालकता यानी ईसी है वो 4 डेसी साइमन मीटर -1 से कम होती है, और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा कितनी है 15% से ज़्यादा होती है, उन मृदाओं को क्षारीय मृदा की श्रेणी में रखा जाता है।
और ये क्षारीय मृदाओं की श्रेणी यानी कि लवणीय मृदा की अपेक्षा अगर बात की ही जाती है तो ही लिखनी है, वरना क्षारीय मृदाओं की डेफिनेशन सीधी सी है, जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, जिनमें सोडियम जो तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है, उनको क्षारीय मृदाएं कहते हैं। अगर लवणीय मृदाओं के बारे में क्षारीय मृदा के अपेक्षा जो चीज़ पूछी जाती है तो उसमें ये डेफिनेशन आपको लिखनी होती है। आगे है लवणीय क्षारीय मृदा, तो वही चीज़ है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष का पीएच 8.5 से ज़्यादा, विद्युत चालकता 4 dSi/m-1 से ज़्यादा और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा 15% से ज़्यादा पाई जाती है, उन मृदाओं को अपने क्या कहते हैं, लवणीय क्षारीय मृदाएं कहते हैं। तो लवणीय क्षारीय में तो सिंपल सी बात है, सभी ज़्यादा होंगे। लवणीय मृदा का पीएच आपको याद रखना है, ठीक है। क्षारीय मृदा का पीएच आपको पता होता है कि 7 से ज़्यादा होता है, तो ये 8.5 से भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सोडियम विनिमयशील सोडियम प्रतिशत मात्रा आपको पता है क्षारीय मृदाओं में ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैंने बताया है कि विद्युत चालकता है वो इससे व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। पीएच कम होगा तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ठीक है। और ये चीज़ें दोनों समानुपाती होती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्षारीय मृदाओं के अंदर जो सोडियम की मात्रा है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। यानी क्षारीय मृदाओं में सोडियम जितना ज़्यादा होगा वो मृदा है उतनी ही क्षारीय होती है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। और सेकंड जो है, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है कंपटीशन में, क्षारीय मृदाओं में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, या फिर क्षारीय मृदाओं का पता किस तत्व की उपस्थिति से लगाते हैं, तो वो होता है सोडियम। अब बात करते हैं लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदा मापने के लिए विद्युत चालकता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत चालकता जिन मृदाओं की ज़्यादा होती है वो मृदाएँ लवणीय मृदा की श्रेणी में आती हैं। तो अगर पूछा जाए कि विद्युत चालकता का प्रयोग किस प्रकार के मृदाओं को मापने या फिर उनका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो लवणीय मृदाएं होती हैं। लवणीय मृदाओं का जो विद्युत चालकता है वो 4 से ज़्यादा होती है, यहाँ भी है और ये भी है। और जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो मृदाएं क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं, तो यहाँ भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी थी लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में, तो जो जितनी भी चीज़ें थी इसकी डेफिनेशन आ गई इसमें, और कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है और क्यों पाई जाती है और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को